हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएमए इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री रिलीज किए स्टूडेंट्स के लिए इंटर एंड फाइनल के लिए। तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है, आपको सप्लीमेंट्री करके जानी चाहिए या नहीं करके जानी चाहिए, उसका सब कुछ उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आपके साथ डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्री को। आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे सप्लीमेंट्री एप्लीकेबल फॉर बोथ जून 20 एंड दिसंबर 20 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। ये पहले जून के लिए था, फिर उन्होंने एंड ऐड करके दिसंबर 20 के लिए भी ऐड किया एंड सप्लीमेंट्री में कुछ पॉइंट्स उन्होंने एडिशन किए। जैसे अगर मैं बात करूँ पेपर नंबर 7 से लेके पेपर नंबर 16 के लिए, ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। एंड जब आप डायरेक्ट टैक्स के सप्लीमेंट्री को ऑन ओपन करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो था ये 30 नवंबर 2019 तक का था, मतलब 30 नवंबर 2019 तक का, मतलब ये जून के लिए था, जून के लिए पार्ट वन एप्लीकेबल था। बट अब आपका पेपर जून में ना हो पाया एंड जून में ना हो के अब वो पेपर क्या हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है। तो दिसंबर में होने की वजह से कुछ और भी अमेंडमेंट्स आए नवंबर के बाद एंड वो अमेंडमेंट्स फिर एप्लीकेबल हो गए आपके दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। अगर जून में आपका पेपर होता तो जो पार्ट बी था वो जून के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा पार्ट बी है, अमेंडमेंट फ्रॉम द 1st दिसंबर 2019 टू 31 मई 2020। देखो हमेशा एग्जाम से 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं, तो सेम चीज आपके साथ भी हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ पहले के आपके अमेंडमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और जो 31 मई तक का जितना भी अमेंडमेंट आया है वो इंस्टीट्यूट ने इसमें कवर कर लिया है एंड आपके एग्जाम में ये सारे अमेंडमेंट सब एप्लीकेबल है। अब इसकी वेटेज कितनी हो सकती है एग्जाम में, तो मैं आपको बताऊं कि वो भी सप्लीमेंट्री आई है, अमेंडमेंट्स की वेटेज 5 मार्क्स से लेके ये 10 to 15 तक के जा सकता है, 5 to 15 मार्क्स तक का ये जा सकता है। बिकॉज अगर जैसे पीजीयूपी से रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ तो प्रॉपर उसके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये जो अमेंडमेंट्स आई है बाद में, जो 1st दिसंबर से 31 मई तक के लिए 30 मई तक का जो अमेंडमेंट है वहाँ तक आपको सारे अमेंडमेंट्स कवर करने हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जून वाला तो आपने ऑलरेडी अमेंडमेंट कवर कर लिया होगा जून के लिए, तो दिसंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप मत करना इसे। बिकॉज मेरे टाइम में जब सप्लीमेंट्री और ये अमेंडमेंट्स आते थे तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे कि रिटर्न्स के डेट एक्सटेंड हो गए, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा रिटर्न का। अगर क्वेश्चन आया तो उसमें रिटर्न के डेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। 44AB के ऑडिट में लिमिट्स चेंज हुई है, तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बन सकता है उससे। तो आप अमेंडमेंट को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ये सारे अमेंडमेंट जो आपके एग्जाम में के लिए आया है वो आपको करना है डेफिनेटली। इसके अलावा पेपर नंबर 6 में भी अमेंडमेंट आया है, पेपर नंबर 11, देखो तीन ही सब्जेक्ट में अमेंडमेंट आते हैं हमेशा, एक तो आपका लॉ का पेपर हो गया, दूसरा डायरेक्ट टैक्स हो गया और तीसरा जीएसटी हो गया। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, अकाउंट्स में भी इंडेक्स के आने की वजह से ये अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, अदरवाइज अकाउंट्स में भी अमेंडमेंट नहीं आते हैं। कुछ टाइम के बाद ये अमेंडमेंट आने बंद हो जाएंगे। अभी यहाँ पे भी अमेंडमेंट है और यहाँ पे भी कुछ सप्लीमेंट्री इन्होंने दिया है, कॉर्पोरेट दिसंबर के लिए। एंड बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज काफ़ी कुछ इसमें इन्होंने इंसर्ट कर दिया, न्यूली एडेड इंड एस 40, इंड एस 115 एंड इंड एस 116। देख सकते हो आप, आपको एग्जाम का जो डिले होने की वजह से आपके ऊपर कितना वर्डन बढ़ते जा रहा है। अब आपको पहले जो आपने पढ़ा था वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में सारे अमेंडमेंट्स भी पढ़ने हैं। इसलिए मैं हमेशा यही सजेशन देता हूँ कि जितनी जल्द से जल्द हो सके आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो, जिससे क्या होगा आपको ये सब कुछ देखो बाद में भी पढ़ना होता है लेकिन एक बार पास आउट होने के बाद पढ़ना और स्टडी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना दोनों चीज़ें बहुत अलग होती है। इसलिए अब आपको सारे अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बिकॉज आप कितने ज़्यादा अप टू डेट हो ये अमेंडमेंट्स ही मालूम चलता है। तो होप सो आपको सारे अमेंडमेंट्स पढ़ने चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट में अच्छा खासा वेटेज लेके जा सकता है अमेंडमेंट। अब यहाँ पे देख सकते हो 41 पेज का अमेंडमेंट आया है, तो ये और ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेगा, इसमें काफ़ी कुछ ऐड हुए हैं। तो होप सो आपको
काफी कुछ समझ में आया होगा। आपको सारे अमेंडमेंट्स करने चाहिए, आप किसी को छोड़ के मत जाना। मोस्ट ऑफ द पार्ट अमेंडमेंट से कवर किए जाते हैं एग्जाम में। तो होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।